गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग मायरमेकोफिली पढ़े हुए थे ना, काइरोप्टेरोफिली, मायरमेकोफिली ये सब पढ़ा दिए थे, यानी कि पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन जब भी होगा तो उसको बताए थे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन जब भी होगा तो उसको क्या बोलते हैं, चमगादड़, काइरोप्टेरोफिली। और फिर आपको बताए हुए थे इंसेक्ट के द्वारा यानी कीटों के द्वारा जब भी पॉलिनेशन होगा तो इंटोमोफिली। ये सब टॉपिक हो चुका था ना। आज हम लोग को पढ़ना है मेलेकोफिली के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन बाय स्नेल यानी घोंघा के द्वारा जब परागण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग डालेंगे मेलेकोफिली। मेलेकोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाई, नीचे लिख लिया जाएगा, खाली मेलेकोफिली लिखे यहां पे, मेलेकोफिली। ठीक है, मेलेकोफिली। अच्छा, मेलेकोफिली हम आप लोग को बताए हुए थे ऐसे लैंग्वेज कैसे इसका लिखा जाएगा, ये सब लैंग्वेज आप लोग को बताया गया था। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बाई द हेल्प ऑफ स्नेल यानी घोंगा के द्वारा या बाई स्नेल, बताए थे ना ऐसे, यानी व्हेन लिखेंगे, व्हेन व्हेन ट्रांसफर ऑफ, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर फ्लावर बाई ए स्नेल, बाई ए स्नेल्स आर कॉल्ड मेलेकोफिली। ठीक है, यानी कि जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर घोंघा के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली कहा जाता है। हो गया, हिंदी बोला जाए, हिंदी बोले अच्छा, नहीं तो जल्दी लिखिए। देखिए, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के, चाहे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर घोंघा के द्वारा होता है, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर घोंघा के द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा होता है तो उसे मेलेकोफिली कहा जाता है। हो गया, तो उसे मेलेकोफिली कहा जाता है। लिख लिए, जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा होता है तो उसको मेलेकोफिली कहा जाता है। ठीक है, उसको मेलेकोफिली कहा जाता है।
हटाया जाए। चलिए इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, और करके यानी अथवा अथवा लगाकर एक और तरीके से लिख सकते हैं पोलिनेशन बाय, क्या कि ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सीधे इतना ही लिखेगा पोलिनेशन बाय बाय स्नेल, पोलिनेशन बाय स्नेल्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे तो मेलेकोफिली। ठीक है, पोलिनेशन बाय स्नेल्स आर कॉल्ड मेलेकोफिली, यानी कि घोंघा के द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है, घोंघा के द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। ठीक है, घोंघा के द्वारा परागण क्या कहलाएगा मेलेकोफिली। ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन आता है तो बस इतना ही उठ के आता है, नीट का भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो इतना ही लैंग्वेज उसमें रहता है पोलिनेशन बाय स्नेल्स यानी घोंघा के द्वारा परागण। तो उसमें चार ऑप्शन रहेगा मायरमेकोफिली मेलेकोफिली। अच्छा, मायरमेकोफिली या मेलेकोफिली बड़ी कंफ्यूजन वाला चीज होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, मायरमेकोफिली की जगह पे मेलेकोफिली की जगह पे मायरमेकोफिली समझ बैठता है और मेलेको मायरमेको के जगह पे मेलेको। तो याद रखेंगे मायरमेकोफिली का मतलब होता है चींटी अथवा दीमक के द्वारा पोलिनेशन। ठीक है, मायरमेको यानी उसमें आ जाएगा एंट या टर्माइट यानी चींटी और दीमक के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको मायरमेकोफिली कहेंगे, और जब ये स्नेल के द्वारा घोंघा के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको मेलेकोफिली कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हिंदी लिख लेंगे घोंघा के द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है, घोंघा के द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। ठीक है, घोंघा के द्वारा परागण, घोंघा के द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। इसमें एग्जांपल लिख लेंगे बाबू, कुछ एग्जांपल है जैसे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का नाम सुने हैं, मीठा आलू इसको कहते हैं, ऐसे मीठा आलू बोल सकते हैं स्वीट पोटैटो। अब मीठा आलू इसी को हम लोग अलुआ कहते हैं, कहीं कहीं लोग इसको अलुआ बोलता है, अलुआ कलुआ नहीं अलुआ, और कहीं कहीं लोग इसी को कोन बोलता है, कोन का नाम सुने हैं, कोन जैसे पश्चिम चंपारण साइड के जो लोग होंगे कोन जानते हो, कोन। ठीक है, या फिर अगर अरेरा साइड के उधर के जो लोग होंगे वो भी कोन जानते हो, कोन इधर एरिया में अलुआ जानते होइएगा, कोने बोलते हैं। अच्छा, तब कहीं से सीख के आए हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो यानी हो गया क्या अलुआ, या मीठा आलू चाहे उसी को हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्रोकस, क्रोकस क्रोकस देखे आप लोग, क्रोकस का सब्जी आप लोग बनाए होइएगा, सर हमको पता ही नहीं है कि हम सब्जी बनाए हैं, देख लीजिए क्रोकस सी आर ओ सी यू एस, सर हम लोग खाली सोयाबीन का सब्जी बनाना जानते हैं। जा जा जा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये फ्लावर है नहीं, ये एक मिनट रुक जाइए, एक ऑरुम होता है बाबू, ये क्रोकस हो गया। ठीक है, क्रोकस नहीं नहीं क्रोकस इसके एग्जांपल मत लिखिए, काट दीजिए, क्रोकस नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, कोलोकेशिया होता है, कोलोकेशिया वही तो हमको ध्यान में है भाई, सब्जी बनाया जाता है इसका, ये क्रोकस कैसे आ गया, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया का सब्जी बनाए होंगे आप लोग, कोलोकेशिया को, कोलोकेशिया को हम लोग दूसरे शब्दों में ऑरुम बोलते हैं, अरुम को हिंदी में अरुई कहा जाता है, और अरुई का सब्जी आप लोग खाते हैं, खाएं कि नहीं, अरे कांडा जिसका बनता है कांडा खाए हैं, अंडा नहीं कांडा, कोलोकेशिया देखिए यही है, हाँ खाते हैं इसका सब्जी बनता है। अच्छा, इसके पत्ता जो आप देख रहे हैं इसका साग भी बनता है, कंडा बनता होगा, देखे होइएगा,
बॉयल करके ऊपर में बाफ मारा जाता है, वाष्प दिया जाता है उसको, हाँ छोटा छोटा काट के उसका पकौड़ा बनता है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा देखे हैं ना ये सबको, तो इसमें पोलिनेशन जो भी होता है यही, इसके पत्ता पे देखिएगा आप लोग, शायद अगर आप लोग खेतों में कहीं गए हो, हमको तो नहीं लग रहा है कोई गया होगा, कि कैसे इतना कहाँ समय है सर, खेत उतना कौन जाने वाला है, मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तब ना खेत में जाएंगे, खेत है तो पापा लोग देखता है उतना, हम लोग रईस आदमी है खेत देखेंगे नहीं जाएंगे ना, खेत में नहीं जाते। अच्छा आप देखिए, तो मान लीजिए वहां अगर गलती से कभी गए होंगे, चाहे पत्ता तोड़ने के लिए गए होंगे, तो उस पर आप देखो घोंघा रहता होगा, अक्सर घोंघा उसमें चिपका हुआ रहता है, तो घोंघा के द्वारा पोलिनेशन इसी सब पत्तवा में होता है, इसी सब पौधा में होगा। और वही इसका ये तो पत्ता हो गया, आप पत्ता देख लिए, इसका जो है ये जो सब्जी बनता है इसी से निकलता है ये सब्जी, इसको काट के फेंक दिया जाता है। अच्छा पत्ता को काट के फेंक दिया जाता है तो वो अलग अलग तरीका का होगा, उसमें एक रतार का नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है, पता नहीं सुने हैं कि नहीं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, रतार का नाम सुने, हाँ लंबा लंबा सा होता है, अच्छा चलिए हो गया। तो इसको एग्जाम्पल को उतार लीजिएगा, कोलोकेशिया, इसको क्या पढ़ेंगे, कोलोकेशिया, हालांकि कोलोकेशिया हम आप लोग को एक जगह बताए थे, याद नहीं है आप लोग को, जब हम बता रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक जनन तब पढ़ाए थे, कोलोकेशिया हो गया, चलिए तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट अब आप लोग आ जाइए अगला, ओफियोफिली, यही ना एक बाकी है, ओफियोफिली, ओफियोफिली, ठीक है, ओफियोफिली। अच्छा ओफियोफिली में सेम वैसे ही अब आप लोग को लिखना है, आप जानते हैं ओफियोफिली किसको कहा जाता है, ये सब हम चार्ट आप लोग को बनवा चुके हैं, एक दिन के क्लास में गर्मा गर्म चार्ट बनवाए थे, याद है, तो उसमें बताए थे ओफियोफिली मतलब पोलिनेशन बाई स्नेक के द्वारा, तो जब लिखेंगे व्हेन, अब लिखेंगे व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर When transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by किसके द्वारा, by snakes are called ओफियोफिली। अभी गर्मी का मौसम आ गया, अब सांप का निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बचाव रखना है अपने आप को। बहुत लोग ऐसे क्या करता है कि ठंडा के सॉरी अभी गर्मी के दिन में बिना लाइट का चुपचाप कहीं बगीचा में जाकर बैठ जाएगा, निकल जाएगा। अब कितना ऐसा है जो कि बगीचा में भी बात करना अच्छा लगेगा, कितना फोन सटाए पहुंच जाएगा एकदम बगीचा में, घूमते घूमते पता चला वहीं पर मिल गया बाबा, तो इसलिए बच के रहना है, थोड़ा अपना ख्याल रखिए। अधिकतर जो है स्नेक बाइट करने का समय अब जो है आ चुका है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है तो वो सब भी तब ठंडा महसूस हो, यानी ठंड जैसे हवा हुआ ये सब चलेगा तो सब बाहर निकलेगा, इसीलिए लिख लिए इसको, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बाय स्नेक्स आर कॉल्ड ओफियोफिली। यानी इसको कैसे डिफाइन हिंदी में कैसे लिखिएगा, तो जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे दूसरे पुष्प के
वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर सांपों के द्वारा, सांपों के द्वारा द्वारा हो तो उसे ऑफियोफिली कहा जाता है। ऑफियोफिली समझ में आया? जब पराग कोष से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर सांपों के द्वारा हो तो उसे ऑफियोफिली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं और देकर, पॉलिनेशन अकर्स बाई, पॉलिनेशन अकर्स बाई स्नेक्स आर कॉल्ड ओफियो फिली। पॉलिनेशन अकर्स बाय स्नेक्स आर कॉल्ड ओफियोफिली, यानी सांपों के द्वारा परागण ओफियोफिली कहलाता है। ठीक है, सांपों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? ओफियोफिली कहलाता है। 30 जेनरेशन तक वो हाइड्रोफिली में आपको पढ़ना है। हाइड्रोफिलिक के जो हाइड्रोफिली जो होता है मतलब हवा पानी के द्वारा जो परागण होता है, पोलिनेशन जो होता है, ये सब में नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, सभी हाइड्रोफाइटिक प्लांट में नहीं होता है। तो ये 30 जेनेरा प्लांट के स्पीसीज के 30 जेनरेशन तक ही होता है, 30 जेनरेशन जेनेरा तक ही होता है। ठीक है, हो गया। चलिए नोट करेंगे इसको, हिंदी में लिख लीजिए। सांपों के द्वारा परागण, सांपों के द्वारा परागण ऑफियोफिली कहलाता है। हो गया। सैंडल ट्री, सैंडल ट्री का मतलब चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ से हमेशा सांप लिपटा हुआ होता है और उसमें पोलिनेशन भी करते रहता है, जैसे जैसे घूमेगा पोलिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, यानी सैंडल ट्री लिख लेंगे इसको। चंदन के पेड़ पर कौन जाएगा सांप के अलावा? लिख लिए। तो इस तरह से ये हो गया, जैसे पोलिनेशन जो है सांपों के द्वारा होता है, किसमें? चंदन के पेड़ में। चलिए, तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए पोलिनेशन का जितना भी एजेंट था, पोलिनेशन करने वाले जितना भी कारक था जिसके द्वारा पोलिनेशन हो रहा था, उन सभी का नाम हम लोग यहाँ पे देख लिए। अच्छा, अब सुनिएगा, कुछ तो ऐसे पोलिनेटर होते हैं, कुछ ऐसे पोलिनेटर होते हैं जो परागण तो करते हैं, सॉरी, जो नेक्टर ग्लैंड को सक तो करते हैं, चूस लेते हैं, लेकिन पोलिनेशन नहीं करते हैं। उनको पोलन रोबर कहा जाता है। पोलन रोबर बोलने का मतलब होता है पराग डकैत या नेक्टर रोबर, यानी कि अमृत डकैत। जो नेक्टर होता है, नेक्टर डकैत यानी नेक्टर की चोरी करने वाला, या फिर पराग कण की चोरी करने वाले होते हैं, पराग का डकैत होते हैं। पोलन ग्रेन को ले लेंगे अपने काम से, मतलब रखते हैं, गए थे सकिंग करने के लिए, वहां से नेक्टर ग्लैंड को, अमृत ग्रंथि से नेक्टर को यानी नेक्टर रस को चूस लिए। चूसने के बाद उनके बॉडी में जो पोलन ग्रेन लगा हुआ था, वो पोलन ग्रेन लाके कहीं उसको गिरा दिए, लेकिन पोलिनेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उनको कहा जाता है क्या? पोलन रोबर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ एक लास्ट पॉइंट जो है स्टार करके लिख लेंगे, पोलन, नहीं स्टार पॉइंट करके, पोलन रोबर या नेक्टर
रोबर, रोबर मतलब डाकू। यानी पराग या नेक्टर डकैत, ठीक है, पराग या नेक्टर डकैत। लैंग्वेज इसका लिख लीजिए, लिखेंगे मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम, में मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम नेक्टर या पोलन, ठीक है, नेक्टर और पोलन, पोलन विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम नेक्टर और पोलन विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, यानी बिना परागण किए बहुत सारे कीट जो हैं ये अमृत को, यानी अमृत रस यानी नेक्टर को अथवा पराग को प्राप्त कर लेते हैं बिना क्या किए, बिना परागण किए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉल्ड पोलन या नेक्टर रोबर। चलिए लिखेंगे, देखें कई कीट जो जो बिना परागण किए, कई कीट जो बिना परागण किए, कई कीट जो बिना परागण किए, कई कीट जो जो बिना परागण किए, जो बिना परागण किए नेक्टर अथवा पराग, नेक्टर अथवा पराग को प्राप्त कर लेते हैं, कई कीट जो बिना परागण किए नेक्टर, नेक्टर अथवा पराग को प्राप्त कर लेते हैं, पराग को प्राप्त कर लेते हैं उसे पराग डकैत प्राप्त कर लेते हैं अर्थात चोरी कर लेते हैं, उसे पराग डकैत, उसे पराग या नेक्टर डकैत कहा जाता है। अच्छा, पराग डकैत या नेक्टर डकैत कहा जाता है, हो गया। चलिए
तो ये हम लोग का पॉलिनेशन का जितना भी टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसका पॉलिनेशन का जितना भी ये टॉपिक था, पॉइंट जो भी था, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया है।